हाँ जी बाबा, राधा को छोड़कर सभी कन्या माताएं जाएं। राधा को छोड़कर सभी कन्या माताएं सीताई। बाबा कहते हैं सब सीताएं हैं, सब पार्वती हैं, सिर्फ राधा को छोड़ के बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने राधा का जितना प्रेम शुद्ध है, इतना शुद्ध प्रेम कोई का भी नहीं है जितना राधा श्रीमत पर चलती प्रेम जिससे होगा उसकी बात भी मानी जाएगी कि नहीं है? प्रेम नहीं होगा तो बात भी नहीं मानेंगे, बराबर अवज्ञा करेंगे। छोटी बात हो बड़ी बात हो अवज्ञाकारी बनेंगे, नाफरमान बनेंगे, क्योंकि बाप के प्रति प्यार ही नहीं है, बाप को पहचान ही नहीं है। तो सीता ने क्या किया है? सीता ने लीका तोड़ी ना, श्रीमत की लीका को राधा ने तोड़ा या सीता ने तोड़ा? सीता ने तोड़ा। तो एक के अलावा तुम सब सीताएं हो, ये नहीं कहते हैं तुम सब राधाएं हो। राधा एक ही होती है, रा अर्थात राम, धा माने धारण करने वाली, 100% राम को धारण कर लेती है, अर्थात श्रीमत को धारण कर लेती है। और बाबा, साईं बाबा कौन से देवता का रूप है? साईं बाबा कौन से देवता का रूप है? वो देवता की आत्मा थोड़े ही है। साईं बाबा दो हैं, एक शिरडी वाले और एक पुटपर्ती, तो दोनों ही बाबा हैं। इनका नामाचार कब होता है? हैं? कलयुग में होता है। कलयुग में जो आत्माएं उतरेंगी वो चौथे युग में उतरने वाली आत्माएं हैं, तमो प्रधान युग की आत्माएं हैं। थोड़ा समय उनका नामाचार रहेगा और कलयुग में ही उनका नामाचार खलास हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के अंत में बाप आ जाता है। तो बाप के सामने तो इनका किसी का कोई प्रभाव रहता ही नहीं है। और जी बाबा, सुबह सुबह में आमिर और शाम में फकीर कैसे बनते? सुबह आमिर, सुबह का अमीर और शाम का फकीर। सवेरा माना सतयुग रूपी सवेरा, और जब सूरज डूब जाता है तो कहेंगे शाम हो गई। तो शाम को तुम फकीर बन जाते हो और सवेरे को अमीर बन जाते हो। बनाने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा। शिव बाबा आते हैं संगम में कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में जब आते हैं तो अंधेरी रात से क्या हो जाता है? सवेरा हो जाता है। स्वर्णिम संगम में तुम बैगर टू प्रिंस बन जाते हो, अमीर बन जाते हो, साहूकार बन जाते हो। और 2500 वर्ष तक साहूकार रहते हो। द्वापर के आदि में भी बहुत सुखी रहते हो और धर्म वालों को आधा सुख मिलता है आधा दुख मिलता है, और तुम इस सृष्टि पर
तीन हिस्सा सुख भोगते हो, समझो कि साहूकार ही बनकर के रहते हो, और एक हिस्सा कलयुग में दुख भोगते हो। जब से ये मुसलमान आए हैं तब से तुम दुखी हुए। ये मुसलमानों क्रिश्चियंस ने आकर के भारत को लूटा है। इससे पहले कोई भी भारत में लुटेरे नहीं आए, तो लुट गए तो साहूकार रह गए या गरीब बन गए? हैं? गरीब बन गए। तो सुबह का साहूकार, सुबह का अमीर, शाम का फकीर, ये गैन इस समय होता है, समझ में आता है। और गैस क्या है? सागर से गैस लाइन आती है तो पानी में कटने से जहर बनता है। हाँ, पानी जहरीला हो जाएगा। गैस क्या है? हाँ, गैस कोई दूसरी चीज थोड़े ही है। जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका जो मांस मज्जा बनता है वो तो असली चीज बन गई, और बाकी तो गैस बन जाती है और कचरा बन जाता है। जो गैस बनती है वो अगर पानी में मिलेगी तो पानी को दूषित करेगी या स्वच्छ करेगी? वो है स्थूल जल और ये है ज्ञान जल। ज्ञान जल में भी गैस है। ऐश आराम में जाते हैं तो उनको कौन सी बीमारी हो जाती है? है? गैस की बीमारी हो जाती है। ऐसा कोई है जिसको गैस की बीमारी ना हुई हो कभी? है? सबको आगे पीछे थोड़ी बहुत गैस की बीमारी जरूर होती है। क्यों होती है? है? हाँ, ऐसा आराम में जाने से गैस हो जाती है। सागर में भी गैस की पाइपलाइन बिछाई हुई है। सागर में भी विस्फोट होते हैं कि नहीं? भूकंप आते हैं कि नहीं? भूकंप आएगा, जहाज टकराएगा तो लाइन टूटेगी कि नहीं टूटेगी? लाइन टूट जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा जब तक उसको कंट्रोल न किया जाए। और बाबा भगवान शंकर के मंदिर में जैसा नंदी की, भगवान शंकर होता ही नहीं, सुधारो। शंकर के मंदिर में नंदी की पूजा होती है। हाँ जी, तो वैसा ही है। कासव की पूजा क्यों करते हैं? हर मंदिर में क्यों करते हैं? हर मंदिर में, शिव के मंदिर में कछुआ, कच्छ अवतार किसका है? कच्छ अवतार कौन सा देवता लेता है? कहते हैं विष्णु ने कच्छ अवतार धारण किया। कच्छ माने क्या? जो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। ऐसा पार्ट संगम युग में बजाया है कि जब चाहे तब अपनी कर्मेंद्रियों को समेट ले, कमल फूल समान जबी जीवन बना ले। उसकी पीठ बहुत मजबूत होती है। क्या? पीछे माना बैकबोन। उसका बैकबोन कौन है? स्वयं बाप ही उसका बैकबोन है। तो कच्छ अवतार और मच्छ अवतार गाया हुआ है। जैसे मछले का अवतार है वैसे ही कच्छ अवतार है। उसकी विशेषता है कि जब तक पानी में रहेगा तब तक जीवन है,
और पानी से बाहर हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो मानवीय अवतार ही ऐसे हैं जो धरणी का आधार लेकर के रहते हैं, राम और कृष्ण जैसे। बाकी कच्छ मच्छ अवतार ये पानी का आधार लेते हैं, ज्ञान जल का आधार लेते हैं, इसलिए अहंकारी होते हैं, जानवर का स्वभाव होता है। ये जानवरियत का स्वभाव भी भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं वो धारण करते हैं। विष्णु के चार भुजाएं हैं, उन चार भुजाओं में ब्रह्मा सो विष्णु बनने की शक्ति है। वो ब्रह्मा भी है अधूरे पुरुषार्थ में, संपन्न बनते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। उन विष्णु में से एक भुजा ऐसी है वो कच्छ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, सागर मंथन करते हैं तो विष्णु कौन सा रूप धारण कर लेते हैं, कछुए का रूप धारण करते हैं। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमता है। मंदराहा पर्वत कौन है? मंद बुद्धि वाला। पर्वत के ऊपर ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं तो पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा का पार्ट हुआ। जैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनता है वैसे ही कच्छ का भी अवतार है, कछुए का अवतार, जिसके ऊपर सारी पृथ्वी टिकी हुई है और मंदिर में दिखाएंगे। जैसे बैल दिखाते हैं ब्रह्मा की यादगार है, वैसे कछुआ भी दिखाते हैं। मंदिर जैसे भगवान का घर है, सुखधाम है, शांति धाम की यादगार है। शिव का मंदिर है शांति धाम की यादगार, देवताओं का मंदिर है सुखधाम की यादगार। तो सुखधाम का आधार क्या है? किस आधार पर सुखधाम का ठाट खड़ा हुआ? कौन निमित्त बनता है? विष्णु निमित्त बनता है, वो ही कछुए के रूप में दिखाया गया है। बनता कब है? जब अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना सीखता है। और गणेश बड़ी क्या चीज है, मगर वो और धर्म के हैं कि राजा स्थापन करने को उनका सहयोग कैसा मिलता है? बड़े से बड़े चार शेर है और मुंगूर वो जो है वो बड़े से बड़ा पावरफुल जानवर है शेर। हाँ शेर और धर्म का है, शेर और धर्म के हैं। शेर तो सारे जंगल का राजा होता है, सारे ही जंगल का राजा। हाँ हाँ, तो दो प्रकार के शेर हैं। एक होता है बब्बर शेर, उतना चालाक उतना चतुर नहीं होता है, सीधा साधा होता है लेकिन पावर ज्यादा होती है। और एक होता है टाइगर, बाघ। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है या शेर है? हैं? बाघ है। क्यों? क्योंकि ताकत ज्यादा हो और बुद्धि न हो तो विजयी होगा या हार जाएगा, यही ब्रह्मा की हालत है।
ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा पावरफुल बहुत है, लेकिन अकल चलाने में तीखी नहीं है, मंदराचलों का पार्ट बजाने वाली है। पार्वती के पिता हिमालय राज है, हिम का आलय है, बुद्धि जाम है बर्फ की तरह। इसलिए जीवन रहते रहते सफलता प्राप्त नहीं होती है। माला बनाते हैं और बार बार टूट जाती है, लेकिन वो ही काम राम वाली आत्मा के थ्रू जब होता है तो सफलता प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है? प्राप्त होती है। क्यों? कहां सहन शक्ति धारण करनी है, कहां सामना करना है, ये जज करने की पावर चाहिए। हर जगह मुकाबला नहीं करना होता है, हर जगह सहन करने की जरूरत नहीं है। परख शक्ति तीखी होनी चाहिए। तो अपने भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर दिखाया गया है। वो किसकी यादगार है? शंकर के पार्ट की यादगार है। और बर्मुडा ट्रायंगल में दुख प्रेत आत्माएं रहती है, उनकी गति किस प्रकार होती है? दुख प्रेत आत्माएं रहती है, हाँ? उनके आखिर में लास्ट में जाकर के गति कैसी होती है? आपने उनकी सदगति कैसी होती है? संगम के अंत में गति कैसी है? संगमियों के अंत में उनकी गति कैसी चलती है बोलते भूत प्रेतों की? हाँ, उनकी गति कैसी चलती है संगमियों बना दो। जो भी भूत प्रेत होते हैं उनके साथ होते हैं, वो रुद्राक्ष के मणकों के रूप में दिखाए जाते हैं या साकार रूप में दिखाए जाते हैं? उनका रूप संपन्न स्टेज निराकारी है या साकारी आकारी है? निराकारी है। तो निराकारी माने बाप समान। वो पावरफुल आत्माएं हैं जो और धर्म भूत प्रेतों की जरह पार्ट बजाने वाले हैं, पाप आत्माएं हैं, ज्ञान इतना बुद्धि में न होने के कारण पाप करते रहते हैं। वो अचानक मौत पाने के कारण, अचानक मौत कराने के कारण भूत प्रेत बनते हैं। उन भूत प्रेतों को जन्म देने के पार्टधारी वो रुद्राक्ष के मणके हैं, जिनको आंख मिलती है रुद्र की। अक्ष माने आंख। किसकी आंख मिलती है? आंख माने ज्ञान का तीसरा नेत्र। किसका मिलता है उनको? रुद्र का मिलता है। इसलिए वो भूत प्रेत होते हुए भी सात धर्मों के बीज हैं, बाप हैं, 84 जन्म लेने वाले। और जो बहुत पाप करते हैं वो 10 जन्म लेते हैं शूद्र के घर में, हैं? जो बहुत पाप करते हैं, हाँ, शूद्रों के घर में जन्म लेते हैं 10। अभी तो सारी दुनिया शूद्र है, ब्राह्मण तो 2-3 जन्म लेते हैं, तो ये 10 जन्म लेने वाले ब्राह्मण 2-3 जन्म लेते हैं संगम युग में? संगम युग में ब्राह्मण 2-3 जन्म लेते हैं, जरूरी है? हैं? 3 जन्म लेना जरूरी है ब्राह्मणों को? कोई जरूरी नहीं। हाँ, जो बीज रूप ब्राह्मण हैं वो 2 जन्म लेते हैं, आदि में और
अंत में। कोई कोई ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो तीन जन्म भी लेते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं है जो दस दस जन्म लेते हो संगम युग में। बहुत पाप करते हैं, कितने भी पाप करें अगर ब्रह्मा की औलाद बनेंगे तो तीन जन्म से ज्यादा किसी के जन्म नहीं हो सकते। इसलिए संगम युग में ब्राह्मणों के ज्यादा से ज्यादा तीन जन्म गाये हुए हैं, कम से कम एक जन्म। कोई ऐसे बुजुर्ग हैं एडवांस में भी आ गए हैं, उनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है, 75 साल के हो चुके हैं, तो यज्ञ के आदि में थे है? जो 75 साल की जिनकी उम्र है वो यज्ञ के आदि में थे है? नहीं थे, उनका तो एक ही जन्म है। अगर खुदान खास्ता वो याद में अच्छे टिकते हैं तो उनकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और टीवी चैनल में एक प्रश्न है, टीवी चैनल में है न्यूज के समय में सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा टाइटल आ जाता है, तो टाइटल उन्होंने क्यों लिया? अच्छा, क्यों लिया उन्होंने? क्यों? कि जो सत्य है वो ही सुंदर है, वो ही कल्याणकारी है। जो सच्चा आदमी है वो ही कल्याणकारी होगा या झूठा आदमी कल्याणकारी होगा है? जो सच्चा होगा उतना ही कल्याणकारी होगा, और जितना कल्याणकारी होगा उतना ही सुंदर होगा। सत्य में ही सुंदरता समाई हुई है, इसलिए सत्ययुग में जितनी सुंदरता है उतनी सुंदरता और कोई युग में नहीं हो सकती। सत्ययुग जितना कल्याणकारी युग है उतना आचार युगों में कोई और युग कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो सत्यम शिवम सुंदरम वो तो एक ही आत्मा है जो 100% सत्य है, 100% कल्याणकारी है और 100% सुंदर है। उसका नाम शिव है, उसकी बिंदी का नाम शिव है। वो बिंदी भले किसी साकार में प्रवेश करती है, अगर वो साकार निराकारी स्टेज धारण नहीं करता तब तक वो भी झूठा है। इसलिए प्रजापिता अलग और शिव अलग, उतना सुंदर नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। जब बाप समान स्टेज धारण करता है निराकारी बिंदु, तो दुनिया का सबसे सुंदर से सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व उस बनकर के संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए बोला, और कोई भी धर्म में ऐसा कोई भी धर्म पिता नहीं है जो ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर बनता हो। एक ही जन्म में काले थे काला और उसे एक ही जन्म में गोरे थे गोरा। और अभी एक श्लोक है बाबा, शंभो तुझे बिना को न तारी ऐसा बोलते हैं, उसका क्या? अरे जो स्वयंभू है
उसके सिवाय और कौन तारेगा? तारेगा माने पार लगाएगा। उसके अलावा कोई और है जो पार लगाने वाला है? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर चाप जहाज जय चढ़े उतरे पार नर बूढ़ सकल संसार। शंकर का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि शंकर प्रत्यक्ष ही तब होता है जब उसमें शिव प्रवेश करता है। शिव के साथ शंकर को ही जोड़ा जाता है क्योंकि वो ही मुकर रथ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो रथ ही जहाज है, संसार रूपी विषय सागर है। उस संसार रूपी विषय सागर में बड़े से बड़ा जहाज है जो संसार सागर में तैर रहा है। बड़े बड़े माया के भंवर पड़ते हैं लेकिन उस जहाज की गारंटी है कि और नवैया डूब जावेंगी, और जहाज डूब जावेंगे, लेकिन वो जहाज डूबने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही भू, स्वयं ही जन्म लेने वाला है। जन्म अर्थात प्रत्यक्ष होना, स्वयं ही स्वयं को संसार के सामने प्रत्यक्ष करता है। उसका परिचय बाप का परिचय बाप के अलावा और कोई दे नहीं सकता, इसलिए स्वयं भू है। वो ही सारे संसार को उतारने वाला है, पार उतारने वाला है। सिखों में भी बोला है नानक चाप जहाज, उन्होंने अपने धर्म पिता की बड़ाई कर दी। और देखो बाबा अभी पंडरपुर में यात्रा भरती है, तीन तीन दिन दर्शन नहीं होता पांडुरंग का, तो कलश का दर्शन दे तो पांडुरंग का दर्शन होता है। क्या करते हैं? कलश। हाँ, कलश का जब दर्शन दे तो पांडुरंग का दर्शन होता है। कलश माने ज्ञान कलश। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश जो है उसमें जल भरा जाता है, जल ज्ञान जल का सूचक है। ये ज्ञान जल का कलश अभी भगवान आकर के कन्याओं माताओं को दे रहे हैं। लक्ष्मी को सागर में, सागर मंथन में कलश दिखाया गया, वो ज्ञान अमृत का कलश है जो भगवान ने नई दुनिया की स्थापना करने के समय दिया था। वो कलश जब तक नहीं देखेंगे, ज्ञान के ऊपर जब तक बुद्धि नहीं लड़ाएंगे, तीसरा नेत्र नहीं घुमाएंगे, तब तक भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। और नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ में संगम में क्या है? ये वैरायटी झाड़ है, तुमने तो तीन ही देखे लेकिन उनमें छह छह सात सात दस दस वृक्ष होते हैं बरगद के पेड़ में। तो ये भी वैरायटी धर्मों का झाड़ है। और गृहस्थी नष्टुमा कैसी बने? ऊंची हस्ती बन जाओ, शिव बाबा के बच्चा बन जाओ। हैं? बाप के बच्चा क्यों बने हो? लौकिक बाप तो डुबोने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी भी डुबोने वाली है। अगर वो ही यूज करेंगे, उसी का आधार लेंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे। अभी तो बाप प्रॉपर्टी दे रहा है, चिंता किस बात की? भूख मरेंगे क्या? गारंटी है कि नहीं है? गारंटी है, फिर लगाओ छलांग। ये शनि सिंगणापुर नाम का कोई ऐसा शहर, गांव या कस्बा है? कहाँ है?
तो वहाँ ताले नहीं लगाए जाते? नहीं लगाए जाते हैं बैंकों में। यहाँ किसी ने लिख दिया है कलयुग के अंत में हद की दुनिया में भी शनि सिंगणापुर में घरों को, दुकानों को और बैंकों को दरवाजे नहीं हैं। कहते हैं वहां चोरी नहीं होती, दुकानों में चोरी नहीं होती, खुली रहती है। पर्दा खींचते हैं, बोलते हैं, तुमने जाके देखा? अरे सारे चोरों का गठबंधन वही इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं जाके कभी नहीं देखा है, जो देखे हैं वो बता रही है, जो जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं। जिन्होंने देखा है तो किन्होंने देखा है? यहाँ कोई बैठा है इतनी बड़ी सभा में? प्रश्न करने वाले ने देखा है? इसलिए बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। हाँ, भक्ति मार्ग का गायन है ऐसा। क्या भक्ति मार्ग का ऐसा गायन समझा जाता है कि सिंगणापुर ऐसा एक गांव है जहां घरों में ताले नहीं लगाए जाते। इसका मतलब ये हुआ सिंह किसे कहते हैं? जो जंगल का राजा होता है उसे सिंह कहते हैं, और उसका पुर माने गांव, अर्थात शेरों का गांव, जहां शेर ही शेर रहते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा संगठन है जहां सब शेर ही शेर होंगे, शेर शेरनियां होंगे, गीदड़ इकट्ठे होके नहीं रहेंगे? है कोई ऐसा पुर तैयार होगा? कौन सा है? नहीं। अरे सूर्यवंशियों का आखिरी संगठन कौन सा बनेगा? जो नई दुनिया का पहला परिवार की इकाई तैयार होगी वो सूर्यवंशियों की ऐसी इकाई तैयार होगी जिनके अंदर कोई भी चोर नहीं होगा। चोर नहीं होगा तो दिल के दरवाजे भी सब खुले हुए रहेंगे। जो चातक पक्षी का गायन है कि स्वाति नक्षत्र की जो पहली बारिश होती है उस पहली बारिश में जो पहला पहला बूंद गिरता है उस बूंद को वो पी लेता है। आस लगाए रहता है ऊपर की ओर चोंच खोल करके कि कब वो बूंद गिरे और मैं उसको ग्रहण कर लूं। वेद में ऐसा चातक पक्षी कौन है जो और किसी के ज्ञान को ग्रहण नहीं करता? ज्ञान की बरसात जब होती है शुरू तो वो पहले पहले बूंद को वो धारण करता है। है, है? प्रजापिता वाली आत्मा दूसरे ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दूसरे ब्राह्मण का ज्ञान ग्रहण नहीं करता। अगर करेगा तो कौन सा ज्ञान ग्रहण करेगा? जो डायरेक्ट परमधाम से आने वाला शिव बाबा है वो जो ज्ञान देता है वही ज्ञान ग्रहण करेगा। इसलिए चातक पक्षी कहा जाता है।
शास्त्रों में गायन है फलों का राजा आम, आम के मौसम में जैसे भी आम पकने का मौसम शुरू होता है तो कौए को मुखरोग हो जाता है। और वो आम का स्वाद नहीं ले पाता, और जैसे ही आम का सीजन खत्म होता है उसका मुखरोग खत्म हो जाता है। तो आम का स्वाद वो कौआ पक्षी नहीं ले पाता, हर साल नहीं ले पाता। तो वेद में कौआ कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में है? क्यों, बीके वाले तो यहां सब बैठे हुए हैं, सारे ही कौए हैं क्या? है? जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में से बेसिक में पहले देखो, ऐसा कौन है जो मरते मरते दम तक शरीर छोड़ देता है लेकिन बाप की ग्लानी ही करता है और ग्लानी ही सुनाता है? बाप के स्वीट ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है, कौन हुआ है? आर्य समाज, आर्य समाजियों का मुखिया कौन हुआ? बेसिक में जगदीश, एडवांस में भी कोई प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जब तक फलों के राजा आम का सीजन रहेगा, स्वीटनेस का सीजन रहेगा, स्वीट ज्ञान सुनने सुनाने का सीजन रहेगा, वो विरोध ही करता रहेगा। और जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ उसका मुखरोग खत्म हो जाता है। अष्टदेव और अष्टरतन, उनमें क्या फर्क है? रतन होते हैं हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज, एक से एक ज्यादा कीमत वाले और एक से एक कम कीमत वाले। माना वो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, और जो अष्टदेव हैं वो एक ही धर्म के हैं, सात सूर्यवंशी हैं, सारे ही हीरे हैं। ये खास अंतर है। अष्टदेव बीज रूप आत्माओं में है, सूर्यवंशियों में है, और रतन और धर्मों के मुखिया हैं। याद से भाग्य की रेखा लिखने वाला बाप है, ऐसा है कि याद से ही भाग्य की रेखा लिखता है? जो चंद्रवंशी आत्माएं बाप को नहीं पहचानती, अभी भी बेसिक ज्ञान में पड़ी हुई है, वो पहचानती ही नहीं तो याद करती है क्या? तो उनके भाग्य की रेखा नहीं बनती है, है? बनती है या नहीं बनती है? उनकी भी बनती है। ज्ञान की धारणा उन्होंने की या नहीं की?
जो धारणा की उसकी उस धारणाओं की सेवा की या नहीं की, और जो बेसिक ज्ञान भी तो लिया ही है ना, उसे भी तो ज्ञान ही कहेंगे ना। याद नहीं है, बाकी तीन सब्जेक्ट तो हैं। तो जीते जी विजय भले न पाए, लेकिन बाकी जन्मों में तो प्राप्ति करते हैं या नहीं करते हैं? प्राप्ति करते हैं। स्त्री में अहंकार ज्यादा होता है, अहंकार ज्यादा नास्तिकों में होता है या चंद्रवंशियों में होता है? है जो नास्तिक होते हैं उनमें अहंकार ज्यादा होता है, और वो स्त्री रूप में होते हैं या पुरुष रूप में होते हैं ज्यादा है? नास्तिकों में जो अहंकारी हैं वो पुरुष रूप में ज्यादा हैं या स्त्री रूप में? वो तो पुरुष रूप में है। हाँ, ये कहेंगे स्त्रियों में देहभान ज्यादा होता है, देहभान ज्यादा होने के कारण वो अपना नुकसान करेंगे या फायदा करेंगे? है, नुकसान कर लेते हैं। उस नुकसान की भी भरपाई रहमदिल बाप ही करता है। तो किसी ने प्रश्न किया है, स्त्री में अहंकार ज्यादा होता है इसलिए विश्व का बादशाह ही क्यों न हो, उसे भी झुकना पड़ता है। कैसे? विश्व का बादशाह होने के बाद झुकना पड़ता है या पहले झुकना पड़ता है? पहले झुकेगा। विश्व का बादशाह बनेगा तो झुकेगा क्यों? विश्व का बादशाह फिर क्यों कहा जाएगा? फिर तो जो जिसके सामने झुकना पड़े वो ही क्या कहा जाएगा, वो ही विश्व का बादशाह हो गया। बाबा जगन्नाथ, कलयुगी जगन्नाथ सीरियल में दिखाया गया है कि न उनका उनसे चूल्हा जलता है, न लकड़ी जलती है, चूल्हा भी नहीं जलता और लकड़ी भी नहीं जलती और धुआं बहुत होता है। तो चूल्हा माना क्या, लकड़ी माना क्या और धुआं माना क्या? वेद की भाषा में लकड़ी पुरुषों के पास होती है या स्त्रियों के पास होती है? है, पुरुष स्त्री को कंट्रोल करता है या स्त्रियां पुरुष को कंट्रोल करती हैं? लौकिक में ऐसे कहते हैं, गंवारी भाषा में, क्या इसकी लकड़ी में दम नहीं है तो जोरू का गुलाम बना बैठा है। बाबा की तो इशारे की भाषा है और शास्त्रों में भी कैसी भाषा है, इशारे की भाषा है। जो देवताएं हैं वो इशारे से समझ जाते हैं,
देवताएं नहीं है, जानवर बुद्धि है, गंवार है, तो नहीं समझेंगे। लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, बरसात के दिनों में लकड़ी गीली होती है या सूखी होती है? यह है ज्ञान की बरसात। जितनी जास्ती ज्ञान की बरसात होगी बुद्धि में, तो इंद्रियां शीतल होंगी, भीगी हुई होंगी या सूखी हुई होंगी? शीतल इंद्रियां हो जावेंगी। तो लकड़ी अगर सूखी नहीं है तो आग जलेगी है? आग तो नहीं जलेगी, लेकिन धुआं होगा कि नहीं होगा? जब आग नहीं जलती है, लकड़ी गीली होती है, तो रिजल्ट क्या निकलता है? धुआं ज्यादा। ये है ग्लानिंग का धुआं। संसार में चारों ओर एडवांस पार्टी की ग्लानी ही ग्लानी निकलती है। सच्चे राजयोगी, दुनिया इस राज को नहीं जानती है। किस सहज राज को, सहज राजयोग को सीखने वालों में कौन सी शिफ्ट बढ़ती है? जिस शिफ्ट के आधार पर उनकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। इंद्रियां कंट्रोल होने से ढेर की ढेर कन्याओं माताओं को, 16,000 कन्याओं माताओं को भी एक कृष्ण कन्हैया कंट्रोल कर लेता है। लौकिक दुनिया में तो एक दो स्त्रियां होती हैं, उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये कंट्रोल होने का राज यहां छुपा हुआ है। जो जगन्नाथ के सीरियल में दिखाया गया है, उस सीरियल का नाम ही है कलयुगी जगन्नाथ, कलयुग के नारायण। मुरली में बोला है, अभी हम सहन नहीं कर रहे हैं, बाप सहन करवाए रहा है। ऐसे है क्या? है ज्ञान हम धारण करते हैं या बाप धारण कराता है? है नंबरवार आत्माएं ज्ञान धारण करती है। जितनी गहरी ज्ञान की धारणा होगी, उतना दिव्य गुणों की भी धारणा जरूर होगी। ज्ञान की धारणा ही नहीं होगी तो दिव्य गुणों की धारणा भी नहीं होगी। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा हमसे शक्तियां धारण कराता है, फिर तो सारा पुरुषार्थ कौन कराता है? हैं? शिव बाबा ही कराता है कहा जाता है। लेकिन ये भावना की बात है। हमारा जितना प्यार बाबा के प्रति होगा, उतना बाबा के याद की पावर हमको मिलती है। उस पावर के आधार पर हम गुण धारण करते हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणी में बताया है कि दास दासियां और अधिकारी, दास दासी बनने वाली आत्माएं और अधिकारी बनने वाली आत्माएं, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं।
इसका क्या अर्थ है? जो राजा बनने वाली आत्माएं होंगी तो 108 राजाओं की माला का संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा, है? और सबसे पहले जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, जो अधिकारी कभी अधीन नहीं होते किसी के, वो अष्टदेवों का संगठन अलग तैयार होगा या नहीं होगा, है? अलग तैयार होगा। तो दास दासी अलग हो जाएंगे या उनके साथ जाएंगे, है? अरे दास दासी अलग हो जाएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। अभी भी स्थापना हो रही है, जो दास दासी किस्म की आत्माएं हैं उनके विचार ही ऐसे चलेंगे। नई दुनिया के संगठन में आने से विपरीत विचार चलेंगे। तो समझो अधिकारी बनने वाली आत्माएं नहीं है, दास दासी बनेंगे। हंस और बगुले हो गए। दुनिया में विजयदशमी के दिन रामनवमी मनाते हैं। अरे पहले रावण मारा जाएगा या पहले रामनवमी होगी, राम का जन्म होगा, है? पहले जन्म होगा बाद में रावण मारा जाएगा, तो उल्टा लिख दिया। विजयदशमी के दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसी दिन राम ने रावण का वध किया, इसलिए दुनिया में विजयदशमी के दिन रामनवमी मनाते हैं। ऐसा है? विजयदशमी के दिन रामनवमी मनाते हैं कि एक दिन पहले मनाते हैं? एक दिन पहले मनाते हैं। और दुर्गा की भी पूजा करते हैं। तो यहां शूटिंग कब होती है? कब रावण मारा जाता है, कब महिषासुर मारा जाता है? रावण में और महिषासुर में, दोनों में बुद्धि का क्या फर्क है? है? रावण बुद्धिमान होता है और महिषासुर बुद्धिहीन होता है। तो बुद्धिहीन की टक्कर देवी के साथ होती है और रावण की टक्कर राम के साथ होती है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध को शंकर जैसा सिर में जूड़ा दिखाया है और सामने बैठे हुए नमस्ते करते हुए दिखाया है। इसका क्या मतलब है? नमस्ते नमन अपने से ऊंचे को किया जाता है या नीचे को किया जाता है? बौद्ध धर्म में ज्ञान है या नहीं है? हैं? ज्ञान की बात तो है, परसेंटेज में है। तो वो जूड़ा दिखाया गया है, ज्ञान की जटाएं हैं, बंधी हुई हैं, फैली हुई जटाएं नहीं दिखाते हैं। शंकर की दोनों प्रकार की जटाएं दिखाते हैं, फैली हुई जटाएं भी दिखाते हैं जब गंगा का आवाहन करते हैं, और आवाहन करने के बाद जटाएं
बांधी हुई दिखाते हैं। अष्टदेवों से जटाएं बांधी हुई दिखाते हैं, उस जूड़े में गंगा को भी दिखाते हैं। बौद्ध धर्म को भी जुड़ी हुई जूड़ा जो है वो बंधा हुआ दिखाया गया है, माना उनका ज्ञान भी बंधा हुआ है। जो नमस्ते करते हैं वो भी अपने बाप को नमस्ते करते हैं, और धर्म वाले अहंकार में रहते हैं वो नहीं नमन करते हैं, लेकिन बौद्ध भी बाप को नमन करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो जापान में जास्ती है वो जापान के लोग अभी भी मानते हैं कि ज्ञान सूर्य कहां से उदय होता है, जापान से उदय होता है। जैसे जापान भारत के ईशान कोण में है, ईशान कोण में अष्ट देवों में से पहला देव ईश्वर को दिखाते हैं शंकर के रूप में, तो वो ज्ञान सूर्य है, उसको बौद्ध लोग नमन करते हैं। बाबा कहते हैं 8 घंटे याद में रहो, प्रैक्टिस करो 8 घंटे याद में रहने की। हैं? क्यों गृहस्थी वालों को नहीं कहा कर्मयोगी बनो, कर्म करते रहो याद करते रहो। गृहस्थी वाले क्या कुंभकर्ण बने सोते रहते हैं 24 घंटे? हैं? जो गृहस्थी में है वो 24 घंटे पड़े पड़े सोते रहते हैं क्या? सोते सोते तो याद होगी नहीं, जगते हैं ही नहीं जगते हैं। अरे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? काम धंधा करते हैं, हैं? तो काम करते याद की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? माता चक्की चलाती है और बच्चे को याद करती है कि नहीं करती है? खाना बनाती है, बच्चा बाहर खेलने चला गया छोटा बच्चा, याद करती है कि नहीं करती है? तो माता की याद ओरिजिनल हो सकती है, हैं? जबकि बच्चा भगवान भी नहीं है, और हमारी याद ओरिजिनल नहीं हो सकती है? 8 घंटे नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? जब बच्चे की याद हो सकती है तो भगवान की याद क्यों नहीं हो सकती? भगवान भी कहते हैं मेरे को बच्चा बनाओ। और आज की वाणी में कहा भल धंधा नौकरी आदि करो, और दूसरी वाणी में कहा हमें पुरुषार्थ करने के लिए एक पाव आटा और थोड़ा नमक चाहिए तो हम उच्च पद पा सकेंगे। तो धंधा दोरी करें या पाव भर आटा और नमक से काम चलाएं, हैं? क्या करें जो हम उच्च पद पा जावें? कौन सा पॉइंट धारण करना है, हैं? पाव भर आटा। अच्छा धंधा दोरी छोड़ दें, हैं? अरे ईश्वरीय धंधा करेंगे वो भी धंधा दोरी है या नहीं है? ईश्वरीय धंधा दोरी करने वालों को पाव भर आटा मन नसीब होगा या नहीं होगा? पेट भरेगा या नहीं भरेगा? भरेगा। बात तो एक ही हो गई। हाँ बुद्धि में फर्क इतना है कि धंधा दोरी की जहां बात आती है वहां लौकिक धंधा दोरी को ही धंधा दोरी समझते हैं, ईश्वरीय धंधे को धंधा नहीं समझते हैं।
जबकि मुरली में बोला और सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ऐसा आगे चल के देखेंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं। आगे चल के दुनिया का ऐसा माहौल बनेगा कि ईश्वरी धंधा करने वाले फर्टाइल हो जाएंगे और जो लौकिक दुनिया के धंधे धोरी है वो तो आज भी मिट्टी में मिलते जा रहे हैं और आगे चल के और ही सत्यानाश हो जाएंगे। सब धंधों में नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि झूठ की दुनिया बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? है बढ़ती जा रही है। बाबा के बच्चे तो फिर भी दुनिया वालों के मुकाबले सच्चे हैं या झूठे हैं? है सच्चे हैं। उनका निर्वाह दुनिया वालों की धंधा धोरी के साथ नहीं हो पाएगा।